फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बैंक से EMI कटेगा कि कोई एक पार्टिकुलर डेट पे, बट आपके अकाउंट पे मनी नहीं है और हड़बड़ी में आप किसी भी पेटीएम के थ्रू, वॉलेट के थ्रू आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपका चार्ज काट लेता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें क्या मैं बताऊँगा एक बैंक से आप पैसा डाल के दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे विदाउट एनी चार्ज, वो भी पेटीएम के थ्रू। तो MD टॉकीज चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले MD टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और पेटीएम पेमेंट बैंक कैसे ओपन होगा या अकाउंट ओपन करेंगे उसके जानने के लिए रेड कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए पेटीएम पे नीचे में आपका बैंक ऑप्शन देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पोस्ट कोड डालना है जब अकाउंट क्रिएट करने के टाइम आप डाले थे, मैं अपना करके दिखा देता हूँ। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके पास जी। यहाँ टॉप में एड मनी का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पे आपको पेटीएम पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट इस पर क्लिक करना है, मनी इस पर ऐड करना है आपको बैंक वॉलेट पे। तो यहाँ पे आपको जितना अपलोड करना है अमाउंट डाल लीजिए। नीचे में आपको ये देखिए सारे कार्ड डिटेल दिए हुए, कोई भी एक सेलेक्ट करके आप मनी कार्ड के थ्रू कोई भी बैंक से पैसा टान सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में। ये अकाउंट भी अंदर बैंक है तो आप जो ऑप्शन है आपके सूटेबल है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी अमाउंट डाल के किसी भी बैंक से डालना, सबका आपका बैंक ऐड किया हुआ है यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी बैंक आपका नहीं दिया हुआ है तो आप कार्ड को ऐड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप कार्ड को ऐड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप बैंक टू पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा ले सकते हैं। तो कार्ड को कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जब नॉर्मल में आएंगे यहाँ पर आइएगा, लेफ्ट टॉप राइट कॉर्नर पर उसके आप पास आना है माई पेमेंट सेटिंग, सेटिंग में जाइए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक करके जो बैंक से आपको पैसा लेना है उसका पूरा डिटेल डाल दीजिए कार्ड का। ये प्रोसीड टू पे 1 रुपया पेटीएम वॉलेट में आएगा तो आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। कार्ड नंबर, मंथली, ईयरली, CVV सारा डिटेल डाल के पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना, कार्ड आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। कार्ड ऐड होने के बाद आप मनी टान लीजिए, ये पेटीएम पेमेंट बैंक में फी से आ गए। उसके बाद आपको यहाँ जाना है मनी ट्रांसफर पे, इस पर क्लिक करके जो अकाउंट में आपको डालना है जिससे EMI कटेगा उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर ने आप नाम डाल के पूरा आप प्रोसीड कर सकते हैं। या नीचे में पहले आप अगर ट्रांजेक्शन किए तो डिटेल नीचे में आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करके सिर्फ अमाउंट डाल के आपको प्रोसीड कर देना है। ये देखिए पूरा डिटेल आ गया, सिर्फ यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, प्रोसीड कर देना है या फिर अकाउंट नंबर भी डाल के ये कर सकते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करके फिर से डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक अकाउंट से पैसा टान के दूसरे अकाउंट में डाल सकते हैं और जो EMI कटना है वो आपका आराम से कट जाएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। फिर फ्रेंड्स कुछ समझ में नहीं आया वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और MD टॉकीज को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।